पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को बढ़ाए जाने की वकालत की है। प्रणब मुखर्जी का कहना है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अनुपातहीन रूप से आकार में बड़ा है। साथ ही प्रणब मुखर्जी ने यह भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के एक महान पुत्र थे। इंडिया फाउंडेशन के जरिए आयोजित दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान देते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 1000 की जानी चाहिए, साथ ही राज्यसभा की ताकत में भी इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने कुछ पार्टी को संख्यात्मक बहुमत दिया हो सकता है, लेकिन भारत के चुनावी इतिहास में मतदाताओं के बहुमत ने कभी भी एक पार्टी का समर्थन नहीं किया है। तो लोकसभा की सीटों की संख्या 1000 की जाए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से ये मांग यहां पर रखी गई है। तो लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ाने की वकालत वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की है। तो बहुमत ने कभी एक पार्टी का समर्थन नहीं दिया है, तो मतदाताओं के बहुमत ने कभी एक पार्टी को समर्थन नहीं दिया।